नमस्कार, मेरा नाम अमनदीप है और न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप मुझे देख रहे हैं। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उस आरोपी की जो कि सोशल मीडिया पर काफ़ी ट्रेंड कर रहा है। लोग अलग अलग तरह की सज़ा देने की मांग कर रहे हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि संजय राय जो कि पश्चिम बंगाल में हुए बलात्कार और हत्या का आरोपी है, जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, पूछताछ उससे की जा रही है, उसने अपने पूछताछ में क्या बड़े खुलासे किए हैं और पुलिस को सीबीआई को अभी तक क्या जानकारी मिली है। देखिए, जब पूछताछ आरोपी से की गई संजय राय से, तो उसको अपने किए पर कुछ भी अफसोस नहीं है, कोई भी अफसोस नहीं है। जब टीम की तरफ से सवाल पूछे गए तो उसने बहुत ही बेबाकी के साथ में उन सभी सवालों के जवाब दिए और उसको ये एहसास भी नहीं है कि उसने कुछ गलत किया है। इसके अलावा जब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खंगाले गए, मोबाइल फ़ोन चेक किया गया आरोपी का, तो उसमें कई अश्लील वीडियो भी टीम को मिले हैं। और इसके अलावा कितनी बेरहमी से मर्डर किया गया वो आप सभी ने देखा। जो तस्वीरें सामने आई वो हैरान करने वाली थी, डराने वाली थी। और जब हत्या का ब्यौरा टीम ने पूछा कि कैसे हत्या की गई है, तो एक एक छोटी छोटी जानकारी उसने टीम को दी और बताया कि कैसे उसने एक ट्रेनी डॉक्टर की हत्या कर दी, कैसे उसने बलात्कार किया। अब ऐसे में सवाल ये है कि क्या वो मानसिक रूप से बीमार है, क्योंकि अब सवाल कई सारे हैं। अब ऐसे में सीबीआई को भी कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि क्या ये व्यक्ति पूरी तरह से सही कह रहा है या फिर ये कोई पीछे बड़ी प्लानिंग की गई है। और इसी के तहत अब सीबीआई पोलोग्राफी टेस्ट कराने की भी बात कह रही है और अब जल्द ही टेस्ट भी होगा। लेकिन हाँ, लोगों के मन में कई तरह के सवाल थे कि क्या ये गैंगरेप हुआ है और क्या आरोपी को फंसाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जब डीएनए टेस्ट हुआ तो उसमें ये सामने आया कि आरोपी संजय राय वही व्यक्ति है जिसने बलात्कार किया था। गैंगरेप की बात से साफ इनकार हो गया है डीएनए टेस्ट में। और इसके अलावा अभी हाल ही में आरोपी की मां का जब इंटरव्यू लिया गया, वो भी सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा लोगों ने देखा, शेयर किया। आरोपी की मां का एक स्टेटमेंट है कि मैं चाहती हूँ कि हर मां को ऐसा बच्चा, ये आरोपी की मां की तरफ से कहा गया। उन्होंने कहा कि मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता है और किसी ने फंसा दिया है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो आरोपी है वो हर एक अपने जुर्म को कबूल कर रहा है, हर एक गुनाह को वो एक्सेप्ट कर रहा है और वो ये कह रहा है कि उसे कोई भी पछतावा नहीं है जो उसने किया है। इसके अलावा अब सवाल यही है कि क्या वो मानसिक रूप से बीमार है या इसके पीछे कुछ और बड़ी प्लानिंग है। हालांकि इसको लेकर सीबीआई जांच कर रही है, हो सकता है कि आने वाले दिनों में कुछ और भी बड़े खुलासे हों। देखिए, इस तरह के अपराधी जो होते हैं उनके अंदर साइकोपैथिक ट्रेट्स होते हैं, जिसमें वो बिल्कुल इमोशनलेस होते हैं, वो दूसरे की इमोशंस को ना समझ सकते हैं ना कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह का जो जघन्य अपराध करने वाले लोगों के अंदर देखा जाता है कि उनकी मेंटेलिटी बिल्कुल अलग होती है, वो सोसाइटल नॉर्म्स को ना विश्वास रखते हैं ना फॉलो करते हैं। यही कारण है कि जब उससे पूछा गया तो उसने बिना किसी इमोशन के सच जो भी उसने किया वो बताया सीबीआई को। जहाँ तक पॉर्न एडिक्शन की हम बात करते हैं, तो ये देखा जाता है कि ये एक जैसे बाकी नशे होते हैं वैसी नशा होता है, जिसमें आप हर वक्त आपके अंदर सेक्स संबंधित थॉट चलते हैं और आप बार बार उससे अपने आप को उस चीज़ से उसमें आप इतना ज़्यादा दिमाग आपका इतना ज़्यादा चलता है कि आपके चारों तरफ से आपको हर वक्त वही चीज़ सोचती है। तो और आप औरतों को एक सेक्सुअल ऑब्जेक्ट की तरह देखते हैं और अंदर से अपनी वो जो हवस है जो कि पॉर्न एडिक्शन की वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ गई होती है, उसको किसी भी तरीके से उस पर उसको हवस को पूरा करने के लिए आप कोई भी एक्ट करते हैं। तो जो अपराधी प्रवृत्ति वाले हैं वो फिर इस तरह का जघन्य अपराध करके अपनी वो जो हवस है उसको कवर करने के लिए ये करते हैं और साथ ही साथ उनका दिमाग में किसी भी तरीके से फीमेल्स को डिग्रेड करना, उनको इनह्यूमन तरीके से देखना या उनके साथ बर्ताव करना, ये देखा जाता है।